पिथौरागढ़ में हो रही प्रादेशिक सेना की भर्ती के लिए देश भर के युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई प्रदेशों से युवा टैक्सी और बसों के जरिए पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। हालत यह है कि पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में हर तरफ युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि युवाओं को ठहराने के साथ ही उनके खाने पीने और वापस भेजने के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि शहर के 30 विद्यालयों में युवाओं के रहने की व्यवस्था की गई है, साथ ही 18 जगह लंगर लगाए गए हैं जहां अभ्यर्थियों को निशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि 100 से अधिक बसों के साथ ही 250 के आसपास टैक्सियों को युवाओं को मैदानी क्षेत्रों से लाने और छोड़ने में लगाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 22 और 23 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की भर्ती में पहुंचने वाली अभ्यर्थियों के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। उससे ट्रेनों में भर करके इधर की ओर आ रहे हैं। जब हमें ये जानकारी 18 तारीख को मिली तो हमने 18 तारीख से अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई। हमने यहाँ पर विद्यालयों के जो बड़े बड़े हॉल हैं वो सारे ओपन करवा दिए, इनके रहने और खाने की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग जगह 18 जगह लंगर वगैरह लगवाए, 30 जगह विद्यालयों में रहने की व्यवस्थाएं कराई, परातघरों में कराई। इसके अलावा जो रोडवेज और जो स्थानीय परिवहन है उसके माध्यम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था टनकपुर, हल्द्वानी और अन्य मैदानी क्षेत्रों से करवाई है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो इनका जो आना है कल रात तक का निरंतर जारी रहा। जैसे जैसे बसें उपलब्ध होती रही वैसे वैसे हम लोगों ने और जिला प्रशासन चंपावत और नैनीताल के माध्यम से करवाया। लेकिन अब हमारे पास चैलेंज जो है पिथौरागढ़ में है, क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती चल रही है सारे के सारे जो 10-12 हज़ार के आसपास अभ्यर्थी हैं यहाँ आ गए हैं। इनको इनकी जो रैली है ये समुचित निपट जाए, उसके बाद भोजन आदि करने के बाद ये नीचे की ओर को समय से बसों के माध्यम से प्रस्थान कर लें, इसके लिए भी हमने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करवाई है। आज हमने जो 55 स्कूलों की बसें अतिरिक्त हमने हायर करी हैं और इसके अलावा लगभग हमारे पास 225 के लगभग टैक्सीज और फेरी टैक्सीज वगैरह भी लगी हैं जो कि नीचे टनकपुर और अन्य क्षेत्रों तक पहुँचा रही हैं इनको। ये व्यवस्था के अलावा केमू और इनकी जो रोडवेज की है ये अतिरिक्त बसें हमारे यहाँ जो लगी हुई हैं, कल तक हमारे यहाँ 35 बसें लगी थी, आज जो है लगभग कुल अभी तक की जानकारी के अनुसार 75 बसें हमारी इसमें लगी हैं। 16 बसें जो है केमू की भी लगी हैं। कुछ अतिरिक्त जो है बसें हमने जो नीचे से आ रही हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी संख्या लगभग 40 है। तो हमें उम्मीद है कि आज और कल ये रहेगा, उसके बाद परसों और नरसों यानी जो 22 और 23 तारीख को उत्तराखंड की जो रैली है उसमें भी लगभग 10 हज़ार के लगभग विद्यार्थियों के आने की संभावना है, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने जो कर रखी है।